Hello and Assalamu alaikum to all my viewers and subscribers. आज मैं पाकिस्तानी और चाइनीज़ फूड का फ्यूजन बना रही हूँ, जिसको मैंने चाइनीज़ पुलाव का नाम दिया है, क्योंकि इसमें तमाम वेजिटेबल्स और इसके जो स्पाइसेस हैं वो चाइनीज़ डलेंगे, जो चाइनीज़ राइस में डलते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है वो मैं पुलाव वाला प्रोसीजर करूँगी। ये सारे वेजिटेबल्स हैं जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप जो वेजिटेबल्स चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं पकाना, और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल यूज़ की हैं। तो मैंने यूज़ किया है स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम, कैरेट और चिक पीस हैं, ग्रीन चिक पीस, यानी कि ग्रीन पीस जो मटर होते हैं, और फ्रेश टोमेटो डाल रही हूँ और ग्रीन चिली डाल रही हूँ। और आपकी मर्ज़ी, आप फ्रेश टोमेटो की जगह अगर प्यूरी डालना चाहते हैं टमाटर की, या टोमेटो पेस्ट डालना चाहते हैं उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। और शिमला मिर्च मैंने डाली है इसमें, और ये सारी चीज़ें मैंने बारीक काट के, या मेरे हिसाब से दरमियाने साइज़ की मैंने इन्हें काटा है। आप देख लीजिए किस साइज़ की काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा। ये बंद गोभी मैं काट रही हूँ, और ये सारी वेजिटेबल्स काट के फिर मैं आपको स्पाइसेस की तरफ आती हूँ, स्पाइसेस दिखाती हूँ। और ये चिकन की यखनी है जो मैंने बनाई है, नमक और काली मिर्च डाल के। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए कि क्या हैं। ये ऑयल है, ये अदरक लहसुन है पिसा हुआ। और हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया कीजिए, उसमें तमाम क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। इसमें चाइनीज़ सॉल्ट है, काली मिर्च है पिसी हुई, क्रश चिली है, ये नमक है, और ये जो रेड हॉट है ये चिली सॉस है, और ये जो ब्लैक कलर का ये सोया सॉस है। और आप चाहते हैं तो सिरका डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। ये यखनी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बन के रख गई है। प्रोसीजर स्टार्ट किया है, तेल डाला है सबसे पहले, और इसको मैं गरम कर लूँगी। हसबे ज़रूरत तेल डाला है, मैं आपको क्वांटिटी भी बता दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। अब इसको तेल के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, पेस्ट को थोड़ा सा पकाने के बाद तमाम वेजिटेबल्स डाल रही हूँ जो काट कर साइड पे रखी हुई थी। अब इनको फ्राई कर लूँगी मैं इस ऑयल में। और फिर फ्राई करने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले जो है वो मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, हसब ज़रूरत जितना मुझे सही लगता है इसमें डालना। आपको मैं क्वांटिटी बता दूँगी कि इसमें कितनी क्वांटिटी डलेगी, कम से कम आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल लीजिए। फिर उसके बाद सारे मसाले डाल दिए मैंने, जिसमें काली मिर्च है पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है पिसा हुआ, ज़ीरा है, और धनिया है पिसा हुआ, और चाइनीज़ सॉल्ट है जिसे अजीनोमोटो भी कहते हैं। उसके बाद मैं सॉल्ट डाली हूँ, वो भी मैं अपने अंदाज़े से डाल रही हूँ, जितने मुझे मैं हमेशा डालती हूँ, और मैं आपको क्वांटिटी बता दूँगी, आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल लीजिएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि तमाम मसाले अपनी मर्ज़ी से डाला कीजिए हमेशा, क्योंकि मैं अपने हिसाब किताब से डालती हूँ, जैसा हमारे घर में खाया जाता है खाना, और आप अपने हिसाब किताब से डेफिनेटली डाला करें जो आपके घर में जिस तरह का खाया जाता है। जब वेजिटेबल अच्छी तरह फ्राई हो गई है तो मैं उसमें चिकन डाल रही हूँ उबली हुई, जो नमक और काली मिर्च में उबाल ली थी मैंने, और उसका पानी भी यखनी के तौर पर इस्तेमाल करूँगी मैं। और ये चिकन मैं इसमें डाल के अच्छी तरह सब्ज़ियों के साथ पका लूँगी, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के साथ। जैसा मैं हमेशा पहले कहती आई हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें डाल सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा चिकन डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतनी चिकन ही काफ़ी होती है।
और ये मैंने वही यखनी डाली है जो मैंने चिकन की बनाई थी, नमक और काली मिर्चें डालकर। तो इसमें बॉईल आने के बाद मैं चावल डाल दूँगी। मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ जिनको मैंने गर्म पानी में मसाला बनाने से आधे घंटे पहले भिगो दिया था, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। पानी में उबाल आने के बाद मैं चावल डालना शुरू करूँगी। देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं पानी में क्योंकि उबाल आ गया था, और मैंने यखनी का पानी इस्तेमाल किया है सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है इसमें। चावल पक रहे हैं पानी में, और इस वक्त अगर पानी मुझे कम लगता तो मैं और ऐड कर देती सादा पानी। ये सिर्फ यखनी का पानी है जो मुझे इनफ लग रहा है चावलों के लिए। मैं हमेशा चावलों में 1/2 इंच पानी ऊंचा रखती हूँ, और वही मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहता है। उसको मैं तेज़ आंच पर पका के, और फिर जब चावल मॉइस्ट रह जाते हैं हल्के फुल्के से, तो हल्की आँच पर उसको दम देने के लिए रख देती हूँ। तो इस तरह चावल मेरे हमेशा खिले खिले बनते हैं, चिपकते भी नहीं हैं आपस में और नरम भी रहते हैं। अब जब थोड़ा सा मॉइस्ट है तो मैंने इसे ढक्कन लगा के रख दिया है, और ढक्कन लगा के हल्की आंच पे कम से कम मैं इसे 15 मिनट पकाऊंगी, और फिर 15 मिनट पकाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि राइस का क्या हाल है। देखिए 15 मिनट के बाद मैंने देखा है ढक्कन उठा के इसका, और अब चम्मच चला के देखते हैं कि राइस गल गए हैं या नहीं। तो देखिए चावल गल चुके हैं और बिल्कुल रेडी हैं। देखिए चावल कितने खिले खिले और ख़ूबसूरत बने हैं, और ये टेस्ट में भी नहायत मज़ेदार होते हैं। ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके चावल कैसे बने। और If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe my channel. आप मेरा Facebook पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Thanks for watching my video and Allah Hafiz.